हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये आपको जो आपका कॉपी का जो फ्रंट पेज है, ठीक है, जो आपको आज से मिलने लगा है, ठीक है, कॉपी और पेपर, तो उसको बहुत ही सावधानी से केयरफुली आपको फिल करना है, ठीक है, एक भी आपको मिस्टेक नहीं करना है, ठीक। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पास क्या क्या आपको फिल करना है, ठीक। सबसे पहले देखें आप, सबसे पहले आपको यहाँ पास अनुक्रमांक लिखा हुआ है अंकों में और शब्दों में, ठीक है। तो जो आपका एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है ना, उसको आप एक बॉक्स में एक डिजिट लिखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ बताया गया है 153 ऐसा करके, फिर उसी के ठीक नीचे आपको वर्ड्स में भी लिखना है। जो इंग्लिश वाले, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, वो इंग्लिश से लिख लेंगे 15 ऐसा करके, ठीक है। इसके बाद आपको ऊपर में कुछ भी नहीं करना है। फिर इसके बाद देखिए नीचे में यहाँ पास परीक्षा का नाम दिया हुआ है। अगर आपके स्टडी सेंटर यानी स्कूल के द्वारा सील लग गई होगी तो आपको वहाँ नहीं लिखना है। अगर नहीं लगा है तो आपको लिखना है वहाँ हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा, ठीक है। आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं HSSE, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद लिखना है आपको विषय का नाम, ठीक है, यहाँ पास आपको विषय का नाम डालना है। उसके एडमिट कार्ड से देख लीजिए या फिर आपके क्वेश्चन पेपर में भी लिखा हुआ है। फिर विषय कोड डालना है, विषय कोड भी आपके क्वेश्चन पेपर में है। माध्यम आपको लिखना है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम लिखेंगे और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी लिखेंगे। दिनांक, ये डेट आपको नहीं फिल करना है अभी फ़िलहाल, ठीक है। आप एक बार डेट के लिए कन्फर्म करेंगे स्टडी सेंटर पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास जो पूरक उत्तर पुस्तिका यानी जो आप एडिशनल सीट सप्लीमेंट्री लेंगे उसे आप लिखेंगे। एक आपको ऑलरेडी मिला होगा इसी कॉपी के साथ, मेन जो आंसर सीट है इसके साथ। इसके बाद भी यदि आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप A4 साइज़ का कोई भी पेपर लेकर आप उसमें लिखकर इसके साथ अटैच करेंगे और यहाँ पास उसकी अंक लिख देंगे आपने कितना यूज़ किया है, ठीक है। अगर आपने एक भी यूज़ नहीं किया तो बिल्कुल क्रॉस कर देंगे और जो यूज़ करेंगे उसको लिखेंगे, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको फ्रंट पेज में बहुत ही सावधानी से भरनी है। इसके नीचे में आपको कहीं भी कुछ नहीं करना है। एक चीज़ आपको यहाँ सिग्नेचर करना है। आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना ऊपर में रोल नंबर के ठीक नीचे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपना सिग्नेचर यहाँ पर लिखना है, करना है, ठीक है, ओके। और भी आपको आपके क्वेश्चंस जो आपके पेपर हैं उससे संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, राइट। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।